समझ में आ रहा है, एक बार रैग आ गया ना बजाया जाता है, बहुत सिंपल सी चीज। पहले आपको इतना चेक करना है करंट ईयर में लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है कि नहीं, पड़ा हुआ है तो हटाओ, नहीं है तो डाल दो लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर एसेट, और लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर एसेट। ये सब में क्या करोगे, 3000 मेडिसिन में लास्ट ईयर लायबिलिटी है माइनस, ओके अज्यूम पूरा पूरा पेड है। अब आ जाओ करंट ईयर एडजस्टमेंट में, नीचे की तरफ देखो ध्यान से क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000, कौन सा होगा आउटस्टैंडिंग ये शेयर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एड टू सब्सक्रिप्शन है, एड टू सब्सक्रिप्शन है बराबर है, देन व्हाट हैपेंड दृष्टि, बोलो बोलो बोलो, आप ऑलरेडी मेड द लास्ट ईयर बैलेंस शीट, अगर हम बना रहे तो देते, उन्होंने दिया हुआ अपने को देने की जरूरत नहीं, तो है एडजस्टमेंट लेकिन इफेक्ट एक ही जाएगा, एक ऑलरेडी हो चुका, अभी भी देखो ना ये 17000 माइनस ही किया, सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट हो चुका था, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 क्या होगा आपका करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट, वो कौन सा आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट, कैपिटलाइज अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी शेयर कौन सी आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, एड एंड लाइबिलिटी, डेप्रिशिएशन लाइबिलिटी, डॉट से दो फटाफट, रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन पे दो डॉट, टाइको दो डॉट समझा, टाइको दो करंट ईयर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, सेल ऑफ फर्नीचर पे एक डॉट, मतलब फर्नीचर का डॉट है, खाली सेल है ना फर्नीचर पे, परचेज है डेप्री है नहीं, तो डॉट डालो सेल पे, डोनेशन पे डॉट, लाइफ मेंबरशिप फीस पे डॉट, वो इन्फो के लिए, डोनेशन और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये बाजू पेमेंट पे सैलरीज पे एक डॉट, काइको आउटस्टैंडिंग, मेडिसिन पे एक डॉट, काइको लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इक्विपमेंट पे दो डॉट व्हाई, इक्विपमेंट में क्या है, परचेज भी और डेप्री भी, दो डॉट और बस ना हो गया, और लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्री है तो ऊपर मिलेगी लैंड एंड बिल्डिंग, उस पे एक डॉट, मतलब ऊपर मतलब लास्ट ईयर बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग पे एक डॉट, बोलो भाई, एक्सप्लेन कर रहा था आप सुन ही रहेगा, आपको ही एक्सप्लेन, 1000 300 माइनस आए तो 300 माइनस 700, 1000 माइनस आए तो 1000 माइनस लास्ट ईयर ऐसे इस पे दो कहा है फिनिश, वो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर आउट, माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आए अमाउंट अलग, अरे इतना छे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड छे ज नहीं आ सब में क्या छे, प्रीवियस ईयर नो जोड़ो, प्रीवियस ईयर का पैसा ये साल मिला है तो हटाओगे ना, प्रीरिसीव नहीं हो, प्रीरिसीव ना होगा कैसे, हाँ ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, हाँ चलो चलो ध्यान से ड्रॉ करो फटाफट, करंट ईयर इज 12, चलो करते जाओ फटाफट, I'm going to go to the next one.
बोलो फर्स्ट आइटम सैलरीज एनी डॉट क्या है बोलो कौन सा आउटस्टैंडिंग है स्टॉप टॉकिंग लास्ट पे स्टॉप टॉकिंग बोलो कौन सा है करंट ईयर की लास्ट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना है 6000 61 मिला देख मेडिसिन एनी डॉट ऑन मेडिसिन प्लस करना है मेडिसिन की माइनस क्यों माइनस समझा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस आउटस्टैंडिंग मेडिसिन 11 का कितना है 3000 राइट हेलो तो आउटर कॉलम 23000 इज दैट राइट हेलो इक्विपमेंट परचेज जब भी कोई एसेट दिखे दिमाग चलना चाहिए कहां से खींचना है उसको लास्ट ईयर चेक इक्विपमेंट लास्ट ईयर कुछ था क्या कितने का था इक्विपमेंट लास्ट ईयर 60 था उसको टिक कर टिक करने वाला आपने लिखा लास्ट ईयर उसको लेके आओ करंट ईयर फिर एसपीडी आई थिंक सेल तो है नहीं परचेज ऑफ इक्विपमेंट है कितना है 10000 अच्छा डेप्री है हाँ. तो डेप्री भी करूं 15000 लेस डेप्री 15 है ना हाँ. तो आउट ऑफ कॉलम 55 प्लीज डोंट डाउट विल बी आउट ऑफ द क्लास 70 माइनस 15 इट इज 55000 इज दैट राइट टिक लास्ट ईयर का इक्विपमेंट को टिक जनरल एक्सपेंस एंड यू पुट जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस एनी डॉट है कुछ नो डॉट सो इट इज 4300 व्हाट अबाउट कैश एंड बैंक करंट ईयर एसेट 7700 एंड 15500 ओपनिंग कैश बैंक इधर जाएगा उधर टिक मारो छोटा सा टिक मारो आपको ही दिखे ऐसा टिक मारो Opening cash and bank will go to last year's asset. Opening cash and bank will go to last year's asset. Hello? Tick. Subscriptions, 65000. Where do you put single subscription? Income. Subscriptions, 65000. You put under income. Tell me. How many dots? Two? Current year outstanding क्या कर? Add. कहाँ मिलेगा current year outstanding? नीचे adjustment. देखो कितना है current year outstanding? 6000. वो add करना है. अच्छा. Last year outstanding क्या कर? 1000. Minus करना है. कितना था? 1000. जो 1000 ऊपर है ना वही bracket में repeat करके दिया है. Includes 1000 of previous year. ठीक है ना? वो कौन सा है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी आपको मिला है तो हटाओ ये साल को मिलो नहीं करता समझाइए 70 मिला 70000 मोमेंट में आना है मोमेंट से ज्यादा रहेगा तो बारी ना हिलाया बुला उसको भी बुला उसको बैठो इधर अंदर ही बैठो नहीं बैठो बाहर में जाओ लेके सिट इन बैग उठाओ ट्राइपॉड पूरा हिला देखा कि नहीं चलो Now, C
65,000. Two dots were there. Current year outstanding you add, last year outstanding you subtract. Is it clear? You minus kiya kyunki year wise tha ki milawati tha. Milawati. Year wise hota to minus bhi nahi kar. Fir ek hi effect aata last year. Fir jaise aap normally karte. Sale of furniture. Sale of furniture. Jo batao last year kuch furniture tha ki nahi tha. था जैसे कोई भी एसेट लेके लास्ट ईयर से शुरू करो 35,000 लास्ट ईयर से लेके आओ करंट ईयर में 35 इज देयर एनी सेल यस कितना है सेल बुक वैल्यू क्या माइनस करता है बुक वैल्यू की सेल वैल्यू बुक वैल्यू अच्छा कुछ परचेज है क्या नहीं डेप्री है क्या नहीं हाँ फर्नीचर पे नहीं है सिर्फ सेल है बट सेल जो है ये 15 का 10 में बेचा है ना तो 5 का क्या है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दैट्स 5,000 ये क्यों यहाँ पे आया इसका भी लॉजिक बता रहे हैं ना आपको कैश लॉस टू फर्नीचर कैश टू फर्नीचर हो गया ये लॉस टू फर्नीचर और ये फर्नीचर में बाय कैश और बाय लॉस क्रेडिट हो रहा है ना मतलब कम हो रहा है 10,000 बाय कैश और 5,000 बाय लॉस देन यू हैव डोनेशंस रेवेन्यू का मतलब क्या इनकम बाय डोनेशंस दैट्स योर इनकम 22,000 लाइफ मेंबरशिप फीस व्हाट आर यू सपोज टू डू विथ लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ है कितना है 12,500 बराबर है इज दैट राइट रीड फर्दर कौन से एडजस्टमेंट में जाना है पहले आपको क्लोजिंग की ओपनिंग वाले में जाना है चेक ओपनिंग वाले एडजस्टमेंट देखो सबसे पहला कैश इन एंड कैश एट बैंक ऑलरेडी टिक्ड होगा रिसीट का ही है ओपनिंग बैलेंस लिखा कैश इन एंड कैश एट बैंक टिक ऑलरेडी टिक्ड है लैंड एंड बिल्डिंग कहां से लेके आना है लैंड एंड बिल्डिंग लास्ट ईयर से लेके आने का करंट ईयर लैंड एंड बिल्डिंग कितना 4,00,000 इज देयर एनी सेल इज देयर एनी परचेज इज देयर एनी डेप्री यस कितना है 10 आउटर कॉलम 39 आउटर कॉलम 39 इज इट क्लियर एसपीडी लास्ट ईयर से करंट ईयर एसपीडी लास्ट ईयर का आइटम्स आर लास्ट ईयर का आइटम लेकिन इफेक्ट एक ही देंगे हम क्यों एक देंगे एक ऑलरेडी दी हुई लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दी हुई हम लोग एक ही देंगे बराबर देन रीड फर्दर फर्नीचर ऑलरेडी लिखा हुआ है आपने टिक्ड होगा इक्विपमेंट वो भी लिखा हुआ है टिक्ड होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मानता हूं कौन सा आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर एक इफेक्ट इधर लेस व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर्स एसेट इज इट क्लियर एक इफेक्ट इधर लेस और दूसरा वाला लास्ट ईयर्स एसेट विल यू राइट इट अगेन लास्ट ईयर एसेट लिखा हो कहने की जरूरत नहीं कैपिटल फंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी से लेके आओ लास्ट ईयर में टिक करो ब्रिंग इट टू करंट ईयर 462,500 देन बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर लाइब्रेरी से लेके आओ करंट ईयर लाइब्रेरी में लास्ट ईयर फाइव लैख टू थाउजेंड ऊपर वाला सब लोग देन मेडिसिन बिल अनपेड मतलब कौन सा आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वन इफेक्ट इज योर लेस वट इज द सेकेंड लास्ट ईयर लाइब्रेरी हो गया है देने की जरूरत नहीं टिप कर लो यहाँ पे सब एडजस्टमेंट लास्ट ईयर का हो गया बराबर समझा अभी आ जाओ बिल्डिंग फंड नहीं वो लास्ट समय था अभी आ जाओ नीचे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सिडियरी 6,000 कौन सा आउटस्टैंडिंग है एक इफेक्ट एड और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स ऑफ करंट ये देना बाकी देन व्हाट कैपिटलाइज अमाउंट ऑफ LMF कर दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी आर 6,000 एड टू सैलरी एंड व्हाट
लायबिलिटीज कितना सिक्स था देना बाकी है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एड एंड डेप्री व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑन डेप्री एक तो लेस लेस सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस फर्नीचर पे है सॉरी इक्विपमेंट पे 15 है ना एंड लैंड एंड बिल्डिंग इट इज 10 टोटल इट इज 25 राइट हो गया सम टोटल टोटल 300 का डेफिसिट सब्ट्रैक्ट करना है आपको लेस डेफिसिट 26 494 200 टैरिफ ये वाला बैठा दिमाग में तरीका समझ में आ रहा है कैसे हाँ बोलो हाँ नहीं हो रहा तरीका क्लियर है पहले रिसीट पेमेंट फिर कौन सा एडजस्टमेंट लास्ट ईयर और फिर करंट लास्ट ईयर वाले का एक इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है आपको खाली एक ही देने बराबर है करंट ईयर वाले का दोनों देने लास्ट सम सम नंबर 25 मैं डिस्कस कर रहा हूं कुछ से करना है सोशल एंड कल्चरल क्लब नागपुर पहले मार्क कर लो ड्रॉ करो आज का होमवर्क भी ऐसा ही है डबल बैलेंस शीट का होमवर्क है मतलब एक दिया है एक बनाने का यही वैरायटी आएगी नेक्स्ट लेक्चर और कॉम्प्लिकेटेड सम्स दो तीन लेक्चर तक यही है सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है देखो 25th यूनिक सोशल एंड कल्चरल क्लब नागपुर देखो मार्क करो स्टार्ट विद पेमेंट साइड बताओ सैलरीज एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 25 सैलरीज एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस फर्नीचर एसेट बैंक डिपॉजिट एसेट जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस चैरिटी एक्सपेंस बैलेंस कैरी डाउन ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर एसेट कैश एंड बैंक ओपनिंग है लास्ट ईयर है देखा आपको हेलो सब्सक्रिप्शन इनकम मिला नाउ ईयर वाइज है कि मिला वही ऑल एडजस्टमेंट जो आप करू अशुद्ध डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एड टू बिल्डिंग फंड फंड याद है कोई भी लास्ट ईयर से करंट ईयर में रहो फिर एड इनकम लेस एक्सपेंस डोनेशन एड देन बैलेंस कैरी डाउन बैंक ओडी कौन सा बैंक ओडी है लास्ट ईयर करंट ईयर क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट यानी एक बार ओपनिंग होमवर्क समय भी था ओपनिंग ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर लाइब्रेरी ये क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट करंट ईयर है अच्छा कैसे पता चला क्लोजिंग है लास्ट ईयर टू बैलेंस शीट क्लोजिंग करंट ईयर लाइव ओपनिंग में अगर ओडी होता तो यहां पर होता बाय बैलेंस बीट लास्ट ईयर लाइव सॉर्टेड तो क्लोजिंग में कैश एसेट में जाएगा कैश इज आई थिंक 6,500 बैंक ओडी लाइब्रेरी बैंक का क्रेडिट बैलेंस अभी नीचे नहीं जाना है पहले ऊपर चेक करो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कैश इन एंड कैश एट बैंक मिला वो एडजस्टमेंट है कि रिसीट पेमेंट आएगी रिसीट ओपनिंग बैलेंस हाउ मेनी इफेक्ट्स वन हो गया लैंड लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट स्पीड बैंक डिपॉजिट सेम व्हाट आर बैंक डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट एसपी बस डी तो होता नहीं डेप्रिसिएशन तो होता नहीं उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा आउटस्टैंडिंग हाँ 6,000 कौन सा है वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करो लास्ट ईयर एसेट एंड
लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन लिख दो उधर, लास्ट ईयर एसेट एंड लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर तो किया हुआ है, आपको खाली लेस करना है। कैपिटल फंड क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग ऑफ दिस ईयर। बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर से करंट ईयर लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ध्यान से पढ़ो, कौन सा आउटस्टैंडिंग क्या करोगे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर लायबिलिटी वन इफेक्ट एंड लेस। फिलहाल लिख दो उधर लेस, बाद में बता दो आगे कुछ कार्यक्रम है। फिलहाल लिख दो लेस फ्रॉम सैलरी, देन कम टू द करंट ईयर एडजस्टमेंट। नीचे पढ़ो, फर्नीचर वॉज बॉर्ड ऑन 1130, इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 15%। व्हाई आर दे गिवन दिस डेट? डेप्रिशिएशन कितना टाइम का लेना है? 3 महीने, 1-1 है ना, 13 अपना करंट ईयर 1230, जैन फेब मार्च 3 महीने का डेप्री है, 15% 3 महीना, ठीक है। इफेक्ट देख दो, लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड एक्सपेंस, लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड एक्सपेंस लिखा। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1213 वाज 8000, कौन सा आउटस्टैंडिंग है? क्या करोगे? ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट एडजस्टमेंट, थर्ड वन देखो। सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर 1213 वर 4000, व्हाट इज 1213? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते? ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, पहले मार्क करो बाद में करता हूं मैं, हो गया मार्क। ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी 4000 किया। हेलो, अभी आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। ऑल्सो 7000 आर स्टिल पेएबल फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 11-12। ऊपर देखो 11-12 की कितनी थी, उसमें से क्या बोल रहे हो? 7000 अभी भी देना बाकी है, तो पे कितना किया? 5। तो माइनस कितना करोगे? 5, माइनस सिर्फ 5 और बाकी 7 लाइब्रेरी। उसको प्रेजेंट कैसे करना है बोर्ड पे देखो, ऐसे करना है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आप ऐसे लिखोगे 11-12, 12-13 का आई थिंक 4 है, 11-12 का 7 अभी भी देना बाकी, टोटल हो जाएगा 11। जैसे वो कैसे स्टील नरियर होता था वैसे ये क्या है? स्टील पेपर, ये समझा आपको? व्हाट इफ वो 7000 की इंफॉर्मेशन होती ही नहीं आपके पास? फुल 12 वुड हैव सबट्रैक्ट, जो मैंने ऊपर मार्किंग में बताया, फुल 12 वुड हैव सबट्रैक्ट बिकॉज यू अस्यूम दैट एंटायर 12 हैज बीन पेड, तो फुल 12 वुड हैव बीन सबट्रैक्ट। ओके, यहां पे 7 ही पे किया तो 7 ही माइनस, 5 ही पे किया सॉरी तो 5 ही माइनस, समझो 12 में से 10 आउटस्टैंडिंग होता स्टील आउट, तो 2 माइनस और 10 लाइव, समझा? 12 में से 8 पे किया तो माइनस कितना करोगे? 8। माइनस जो पे किया वो यहां से माइनस, जो बचा हुआ है स्टील पेएबल है वो लाइव। उल्टा मत कर देना, 12 में से